फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कॉस्मेटिक ज्ञान इन हिंदी चैनल। तो इस चैनल को देखने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके उसे ग्रे जरूर करिएगा अगर आप नए हैं तो। एंड ये वीडियो मैं एक बना रही हूँ एक फेस पैक के बारे में, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। तो जो मैं बताती हूँ क्या क्या उसमें इन्ग्रीडियंट वगैरह लगेंगे, समर हो या फिर कोई भी सीजन हो, उसमें मुल्तानी मिट्टी फेस के लिए अच्छी होती है। अगर मुल्तानी मिट्टी में ऐसी दो चीज़ें मिला दी जाए जो कि हमारे स्किन पर सन टैन को रिमूव करे और स्किन को ग्लोइंग भी बनाए, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्किन को ग्लो करता है। रोज़ वाटर भी आप ऐड कर सकते हो, उसका प्राइस यहाँ लिखा हुआ है। एंड गुलाब जल जो हमारे स्किन के लिए डेली अच्छा होता है। मुल्तानी मिट्टी फेस पैक में मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। मुल्तानी मिट्टी है, दही है, गुलाब जल है और हर थोड़ा चुटकी भर हल्दी है। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे, एक चौथाई चम्मच यहाँ पे मैं टर्मरिक ले रही हूँ, उसके बाद 2 टेबलस्पून हम कर्ड लेंगे दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है, दही हमारे स्किन को ग्लोइंग और स्मूथ बनाता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को पॉलिश भी करता है। उसके बाद हम यहाँ पर हल्का सा रोज़ वाटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और अगर जब आप इसे पेस्ट करिएगा तो ज़्यादा पतला मत करिएगा, हल्का सा थिक रखिएगा पेस्ट को, स्मूथ और थोड़ा सा थिक बनना चाहिए पेस्ट। एंड इसे हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट हम इसे बना लेंगे। यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा और गुलाब जल देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा और ऐड किया है एक स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए। देख सकते हैं हल्का सा थिक है, ज़्यादा पतला नहीं है। यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी गर्मी में हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और भी सब सीज़न में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने स्किन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। मुल्तानी मिट्टी आपके पिंपल्स के दाग को भी हटाती है, और एंटीबैक्टीरियल होने के कारण पिंपल के दाग और हमारे स्किन टोन को भी लाइट करती है। और इसमें दही है जो हमारे स्किन को ग्लोइंग करता है और स्मूथ बनाता है और स्किन को ब्राइट भी करता है। और इसमें गुलाब जल है जो हमारे स्किन को ग्लो करता है। मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन वालों लोग के लिए बहुत ही फायदेकारक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे दिन में एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिए। एक्सेस ऑयल जो आपके स्किन पर होता है वो रिमूव कर देता है। हमारे स्किन पर जो रफ टेक्सचर होता है, जो रूखापन होता है, उसे भी बहुत ही स्मूथ बनाता है, कोमल बनाता है। मुल्तानी मिट्टी से स्किन बहुत ही अच्छी तरह से साफ भी होती है, और साथ ही साथ हमारे स्किन का जो कलर होता है वो भी ब्राइट हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी से स्किन पर जो धूप की किरणों से जो हमारे स्किन जो डैमेज हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, जो सन टैन होता है, उसे भी रिमूव कर देता है और स्किन पर एक अलग ही चमक आ जाता है। इससे स्किन को ग्लोइंग भी बनाने में यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। मैं इसे इन वीक मतलब हफ्ते में एक बार ट्राई करती हूँ। सो इस तरह से मैंने अपने ओवरऑल चेहरे पर अप्लाई कर लिया मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। अब मैं इसे एटलीस्ट 15 मिनट्स यानी 15 मिनट तक इसे रहने दूंगी, सूखने दूंगी अच्छे से। एंड ये देख सकते हैं आप, अपने आई एरिया को अवॉइड करें, आँखों पर इसे ना लगाएं। मैंने इसे लगा लिया, अब मैं इसे सूखने दूंगी। उसके बाद मैं इसे वॉश करके दिखाती हूँ कि मेरे स्किन का कैसा ग्लो आया है। सो अब ये देख सकते हैं मैं इसे वॉश था, आप ये देख सकते हैं मैंने वॉश कर लिया है, मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आ रहा है। आप ये देख सकते हैं नेचुरल है एकदम। सो ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं मेरे स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी ज़रूर अप्लाई करिए इसे घर पर।